नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में हूं वंदना सरोही। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना का प्रचंड प्रहार, जम्मू कश्मीर के कुलगांव में तीसरा आतंकवादी ढेर हुआ है। सेना को बड़ी कामयाबी मिली है, आतंकियों के ठिकाने क्षतिग्रस्त किए गए हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। एक और बड़ी कामयाबी टीम के हाथ लगी है। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव जिले के रेडवानी इलाके में सुरक्षा बलों ने बुधवार शाम को एक और आतंकी को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। आपको बता दें कि सोमवार से ये मुठभेड़ लगातार चल रही है और अब तक तीन आतंकवादी मारे जा चुके हैं। जो दहशतगर्द कल मारा गया है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इससे पहले मंगलवार को मुठभेड़ के दौरान लश्कर के सहयोगी संगठन टीआरएफ का एक टॉप कमांडर बासित अहमद ढेर हुआ था। उसका साथी फहीम अहमद बाबा भी मारा गया था। पूरे इलाके में ऑपरेशन अभी भी जारी है। सोमवार रात इलाके में तीन आतंकवादी बासित अहमद डार, फहीम अहमद बाबा और मोमिन की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में ऑपरेशन शुरू किया था। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में सोमवार रात से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने बुधवार को एक और आतंकी को ढेर कर दिया है। इससे मुठभेड़ में मरने वाले आतंकवादियों की संख्या तीन हो गई है। फिलहाल मारे गए आतंकी की पहचान नहीं हो पाई। मंगलवार को आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर बासित डार और अन्य आतंकी फहीम अहमद बाबा मारे गए थे। मुठभेड़ के दौरान ठिकाना बना मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया था। बासित 10 लाख का इनामी आतंकी था। वो टारगेट किलिंग की 18 वारदात में वांछित था। आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने के बाद उसके आसपास के घरों की घेराबंदी को जारी रखते हुए बुधवार सुबह से ही तलाशी शुरू कर दी गई। एक जगह छिपे हुए आतंकियों ने फायर किया, जवानों ने खुद को बचाते हुए जवाबी कार्रवाई की और उस आतंकवादी को ढेर कर दिया। अभी आतंकियों की तलाश में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। कुलगांव में ये तीसरी मुठभेड़ हुई है। तीन आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। कुलगांव में आतंकवाद पर प्रचंड प्रहार किया जा रहा है। एनकाउंटर हुआ है, एक और आतंकवादी ढेर हो गया। हालांकि अभी इस दहशतगर्द की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इससे पहले लश्कर का टॉप कमांडर बासित डार मुठभेड़ में मारा गया था। 10 लाख रुपए का इनामी आतंकवादी था। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को लगातार मिल रही है।